नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के तरकुलहा गांव के ग्रामीणों ने भू माफियाओं द्वारा गांव की 52 एकड़ भूमि पर कब्जे को खाली कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तरकुलहा गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी राधे मोहन के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और ग्राम प्रधान हरिश्चंद्र यादव ने गांव की सरकारी 52 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है, जबकि भूमि 132 लैंड की है जो कि बेची नहीं जा सकती। इस मामले में पीड़ित 2015 से लड़ रहा है, जिसमें करीब 3.5 एकड़ जमीन ही खाली हो पाई, शेष जमीन पर लोगों को कब्जा बरकरार है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मांग किया कि इस सरकारी भूमि को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जाए। मेरे गांव में भ्रष्टाचार इतना है कि 52 एकड़ जमीन पूर्व कांग्रेस विधायक अबुल कलाम ने झाड़ी पोखरी जो कि 132 लैंड की है कोई नहीं ले सकता, को फ्रॉड करके चापनिया को कागज में मृतक घोषित करके 52 एकड़ जमीन ले ली है। उससे उस विषय में मैं 2015 से उनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। कई बार मेरे ऊपर वार हुआ है, मैं उसको SP साहब सबको बताया। 3.5 एकड़ जमीन उसने से खाली हुई है, अभी 48 एकड़ उनके कब्जे में है। 3.5 एकड़ जमीन पर पूर्व कांग्रेस सहित 13 लोगों पर FIR हुआ है। प्रधान हरिश्चंद और अबुल कलाम ये दोनों लोग मिलकर 48 एकड़ जमीन को हड़पने के चक्कर में है। गांव की सभा की संपत्ति को ये मतलब जो है ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि सरकार से हमारी मांग है कि ये सार्वजनिक ज़मीन है, ये गांव के हित में हो, ये ज़मीनें खाली करा के भूमाफिया से गांव सभा के पक्ष में। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।